होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। सरकार की उपेक्षा से कई ख्यातिनाम खिलाड़ी बदहाली में जीने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल सागर के हॉकी खिलाड़ी टेक चंद यादव का है। शासन प्रशासन से मदद न मिलने की वजह से 82 साल के टेक चंद यादव टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे वक्त गुजार रहे हैं। टेकचंद हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के शिष्य, हॉकी खिलाड़ी और रेफरी मोहर सिंह के गुरु हैं। साल 1961 में उन्होंने भोपाल 11 टीम से हिस्सा लेते हुए प्रदर्शन मैच में न्यूजीलैंड और हॉलैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों ही टीमों से मैच ड्रॉ हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को जन्मे टेक चंद यादव का कहना है कि स्कूल के समय सभी बच्चे हॉकी खेलते थे, उन्होंने भी तभी हॉकी की शुरुआत की। उनके पिता आर्मी में ठेकेदार थे, उनकी रुचि को देखते हुए पिता ने प्रोत्साहित किया। अच्छा खेलने पर उन्हें जिला हॉकी संघ की टीम में शामिल कर लिया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की टीम में खेलते हुए भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में टूर्नामेंट खेले और बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाई। आगे उन्होंने बताया कि साल 1960 में भारत ओलंपिक में हार गई थी, इसी के चलते विश्व की श्रेष्ठ टीमों को भारत का दौरा कराया गया। मेजर ध्यानचंद भी एमआरसी सागर आए थे, वे यहीं ठहरे थे। इस दौरान उन्होंने सागर और जबलपुर के हॉकी खिलाड़ियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया, वो भी उन चंद खिलाड़ियों में शामिल थे। मेजर ध्यानचंद से उन्होंने 3 महीने तक सागर में हॉकी के टिप्स लिए, जिससे खेल में और निखार आया। ओलंपिक हारने के बाद न्यूजीलैंड, हॉलैंड की टीम भारत आई। इस दौरान जब ये दोनों टीम भोपाल आई तो उनका एक एक मैच भोपाल 11 से कराया गया। इस भोपाल 11 की टीम में उन्हें भी शामिल किया गया था। उनके मुताबिक भोपाल 11 ने न्यूजीलैंड और हॉलैंड से प्रदर्शन मैच खेला। उनके बेहतर प्रदर्शन से विपक्षी टीम गोल नहीं कर सकी, इसी वजह से दोनों मैच ड्रॉ रहे। वे सागर में प्रो WD बेस्ट सागर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष रहे। बुजुर्ग टेकचंद यादव बताते हैं कि 1962 में उनके पिता का निधन होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना बंद कर दिया, घर चलाने के लिए प्राइवेट काम किया। पत्नी का निधन हो गया, बेटी भी चल बसी। वर्तमान में वे अकेले किराए के मकान में रहते हैं। वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। सुबह और शाम को सीताराम रसोई संस्था से भोजन आता है। वृद्ध टेकचंद के मुताबिक झोपड़ी कच्ची होने से उनके पास हॉकी खेलने के दौरान मिले मेडल और पुरस्कार थे, वे नष्ट हो गए। आज कोई भी उनका हाल लेने वाला नहीं है। उनके 4 भाई थे लेकिन सभी नौकरी करने बाहर चले गए, जो परिवार समेत वहीं बस गए। वर्तमान में वो अकेले कच्ची झोपड़ी में समय गुजार रहे हैं। सर, हम लोग, मैं खेला हूँ भोपाल 11 से, जबकि इंडिया सन 60 में ओलंपिक में हारी थी। उसके बाद फॉरेन की टीम्स आई हुई थी एग्जीबिशन मैच के लिए, तो मैं सागर से DHA से सिलेक्ट होके गया था भोपाल, जहाँ मेरा भोपाल में सिलेक्शन हुआ भोपाल टीम से। फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हाफ टाइम तक मुझे मौका दिया गया था खेलने का, वहाँ तब मैं खेला था। ध्यानचंद जी कब आए थे? और हाँ, ध्यानचंद जी MRC में आए हुए थे। उस वक्त हम लोग सागर स्पोर्टिंग क्लब से खेलते थे, तो अक्सर प्रैक्टिस मैच जो है MRC से खेलते रहते थे। जब ध्यानचंद जी आए तो उन लोगों ने सलाह दी कि आप लोग भी इनकी कोचिंग में अटेंड करो। तो हम लोगों के क्लब के कई लड़कों ने ध्यानचंद की कोचिंग में भाग लिया। मैं खड़ा होता हूँ, कौन मानने वाला कि मैं प्लेयर था? अरे भाई, प्लेयर तो दुनिया के होते हैं। कोई आदमी के पास उसकी प्रूफ हो तो आदमी को भरोसा होता है कि हाँ कुछ है। जब कुछ नहीं है तो खाली मुंह बजाने से व्यर्थ है। क्या कहने भी तो भाई वगैरह हैं, एक आनंद नगर में है, एक ये 44 में रहता है,
बाकी भोपाल में है ये एक भाई, कोई नहीं आता था, ना कोई पूछता था, ना किसी को कोई मतलब रहता था। तो आप कहाँ पर वर्तमान में इसी कमरे में रहते? इसी कमरे में रह रहा हूँ। कोई कोई मंत्री कोई नेता कोई? नहीं, ना कोई मंत्री ना कोई नेता। प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद मिली हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन जो है वो जरूर मिलती है। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन? हाँ, सिर्फ। ये खेल होते हैं जो सागर में हॉकी के, उसमें कभी आपको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता? नहीं, कभी नहीं, कि जो मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, कहीं आता जाता भी नहीं हूँ। आपको उम्मीद है कि कोई आएगा आपके पास या प्रशासन आपको कोई मदद करे कहीं किसी? आप सर, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मुझ में भी चलने की शक्ति नहीं। मैं किसी से कहूँ भी, क्योंकि जो मेरे पास प्रूफ थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, बारिश में पानी गिरा, बैग में रखे हुए थे, दीमक खा गई। किस टीम से खेले थे? भोपाल इलेवन। और दूसरी सामने टीम कौन सी थी? ये न्यूजीलैंड। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा, तो आपने उसमें गोल किए थे क्या? जी नहीं। अच्छा, और कौन और कौन कौन था उस टीम में? बाकी भोपाल के प्लेयर थे। अच्छा, भोपाल के प्लेयर। तो न्यूजीलैंड और हॉलैंड दो टीमें आई हुई थी, है ना? हाँ। अच्छा, उनसे तो न्यूजीलैंड को पराजित किया गया। न्यूजीलैंड खेले थे मैच। अच्छा, न्यूजीलैंड से एग्जीबिशन मैच। हाँ। अच्छा, प्रदर्शनी मैच था वो, है ना? प्रदर्शनी मैच था। अच्छा अच्छा, तो उसमें अपन ने जीते थे न्यूजीलैंड? बराबर थे। और हॉलैंड को हराया था कि नहीं? नहीं नहीं। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।